सहारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। 2024 में लोकसभा चुनाव में 1.5 साल से भी अब कम वक्त बचा है और देश की वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री पद के कई नेता अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। राहुल गांधी और नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, KCR और अरविंद केजरीवाल तक सरकार की सर्वोत्तम पद की आकांक्षा रखने लगे हैं। इनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बहुत हुई राज्य की राजनीति, अब केंद्र में जाया जाए, और कुछ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बराबरी किए बगैर उन्हें हराने के सपने भी देखने लगे हैं। इनमें से ज्यादातर नेता चुनावी गणित को भी नजरअंदाज कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री चुनने से पहले उन्हें अपनी अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवानी होंगी जो उन्हें इस पद तक पहुंचाने में सहायक होंगी। तो क्या केवल भाग्य के बल पर इन्हें सफलता मिल जाएगी? इन सभी नेताओं की राजनीतिक सूझबूझ, सियासी प्रभाव, जनता में बैठ और योग्यता पर्याप्त है या नहीं, इसका विश्लेषण आज बड़ी बहस में करेंगे। अगले आधे घंटे तक चर्चा, जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। मनोज तिवारी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद है। साथ ही RB उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। भोगेंद्र पाठक जी सीनियर एडिटर सहारा समय नेशनल न्यूज़ चैनल के हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत है। प्रदीप, नीतीश कुमार तैयार हैं, ममता बनर्जी तैयार हैं, अरविंद केजरीवाल तैयार हैं, राहुल गांधी तैयार हैं, और भी कई नेता, कैसा रहेगा मुकाबला, कितना मुकाबला कर पाएंगे एक साथ इन सबसे? धन्यवाद भूपेश जी, पहले अवसर देने के लिए। तैयार तो हैं, हम भी सहमत हैं, लेकिन फ्रंट पे कौन आएगा, अगुआ कौन होगा, उसके लिए तैयार हो जाए, फिर आगे की चर्चा आगे चलती रहेगी। अभी तो एकमत नहीं है बैठने के लिए साथ। एक कहता है खड़ा हो जाए, एक कहता है बैठा रहे, एक कहता है खड़ा हो जाए, एक कहता है बैठा रहे। नया नया कॉन्टेंट आता रहता है, बच्चों को मनोरंजन के लिए, राजनीति के विद्यार्थियों के लिए अच्छा अवसर चलता रहता है, लोग देखते रहते हैं, वायरल होता रहता है। ये प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया, सतत चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन विपक्ष एक हो जाएगा, एक चेहरा बना लेगा, एक सामने आ जाएगा, आज जो रिजल्ट्स आए हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो 2 वर्ष पूर्व दूरगामी फैसले लिए गए, जो रेवड़ियाँ नहीं बांटी गईं, उनका आज परिणाम आप देख रहे हैं। कोई भी संजीदा व्यक्ति, कोई भी विवेकशील व्यक्ति देख करके, अगर पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके देखेगा, तो समझ में आएगी कि अर्थव्यवस्था हमारी कैसी चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पूरी व्यवस्था का 28% इंजेक्ट किया था कोरोना काल में, हमने केवल 3.5% इंजेक्ट किया था, और जो कि $300 बिलियन था। और हम कहाँ खड़े हैं और बाकी व्यवस्थाएँ कहाँ खड़ी हैं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक रहेगा, चर्चा के लिए भी रोचक रहेगा। लेकिन फिर वही बात, तू बैठ मैं बैठूं, अरे कोई एक तो खड़ा हो, खड़ा होने दीजिए, किसी एक को देखते हैं। आपने शुरू में बोला कि गणित, असल में गणित बहुत महत्वपूर्ण है, और गणित को, प्रश्न उत्तर को हल होने दीजिए, तो या तो 100 मार्क्स मिलते हैं गणित में, या तो 0 आते हैं। अब दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, देश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि किसे 0 देना है और किसे हीरो बनाना है। मनोज तिवारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। BJP के नेता प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। आपकी कितनी तैयारी है, कितने घटक दल आपके साथ आएंगे, कैसे महागठबंधन बनेगा, और राहुल गांधी या गांधी परिवार में से किसी की एक्सेप्टेंस कैसे बनेगी? देखिए कोहली जी, भारतीय राजनीति जो विगत 8 वर्षों से जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप में 2 धाराओं के बीच में लड़ाई है। एक जो सत्तासीन है, सत्तासीन सरकार, वो देश को और देश के वर्तमान परिस्थितियों को जिस दिशा में आज देश है, उस दिशा में ले जाने के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेवार है, चूंकि वो सत्ता में है। दूसरा स्वरूप ये है कि जो लोग आज की परिस्थितियों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, या सांप्रदायिक राजनीति से, राजनैतिक जो गलत विचारधारा है उससे तंग आ चुके हैं, वो एक दूसरे खेमे में हैं। मेरा प्रश्न, मैं आपका, आपकी बातों का जवाब देता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र में जनता इस चीज़ का निर्णय करेगी, और जनता बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का स्वरूप है, उसके विपक्ष में आज की वर्तमान परिस्थितियों में कौन लोग ज़्यादा संगठनात्मक हैं, इस देश में किसका एक्सेप्टेंस है, इस देश के लोगों के बीच कौन से लोग लोकप्रिय हैं, सत्ता का स्वरूप उन चीज़ों से तय होता है। मैं प्रदीप जी के एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सत्ता अंक गणित का खेल है, और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जिस भी राजनीतिक दल का एक मजबूत स्वरूप होगा, जिसको बखूबी इस देश की जनता जानती है, उसी में से कोई नेता होगा, और वही नेता जो है इस देश का नेतृत्व करेगा। नीतीश कुमार कहेंगे कांग्रेस हमको सपोर्ट कर दे लोकसभा चुनाव में, मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, आप सपोर्ट करेंगे?
देखिए, एक चीज़ मैं आपको कोहली साहब बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार है, वो कह सकता है। रही बात की नेता कौन होगा, इसका निर्णय इस देश की जनता करेगी। नहीं नहीं, महागठबंधन का नेता तो आप ही लोग कह देंगे ना। अगर कोई नेता बन जाता, मैं टेलीविजन चैनल पर बैठ के कह दूं कि मैं भी प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, तो ना आप रोक लेंगे ना प्रदीप जी रोक। नहीं नहीं, महागठबंधन के जो नेता है, महागठबंधन के जो नेता है वो तो आप ही लोग तय करेंगे ना। एक नेता नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, राहुल गांधी होंगे, फलाने होंगे, कौन होंगे? देखिए, मैंने क्या बोला, अभी वर्तमान की परिस्थितियों में हमारी लड़ाई जो है वो देश के एक सत्तासीन, उस सत्तासीन सरकार से है जिसका स्वरूप, जिसने राजनीति के चेहरे को बिल्कुल कुत्सित कर दिया है। और वर्तमान परिस्थितियों में अगर आज देश की जो स्थिति बनी है, उस स्थितियों को इस दिशा में ले जाने का अगर कोई आदमी जिम्मेवार है तो वर्तमान सत्तासीन सरकार है, जिसे देश की जनता उब चुकी है। एक साथ लड़ लेंगे उनसे, अकेले अकेले तो नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बोला, दो धाराओं की लड़ाई है। और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सत्ता से उब चुके हैं, उनको एक छत्रछाया में, एक छाया में आना ही पड़ेगा, एक नेता के नेतृत्व में आना पड़ेगा। कहना चाहूंगा, अगर आप अवसर दें तो, देखिए, देश की जनता अपनी प्रगति से कभी नहीं उबती है। वो परिवारवाद से उब सकती है, वो घोटालों से उब सकती है, लेकिन देश की जनता अपनी प्रगति से कभी नहीं उब सकती है। और देश की जनता को दिख रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब महंगाई पर चर्चा होती है। प्रदीप जी, मुझे लग रहा है कि आज देखिए सत्ता क्या है, सत्ता की परिस्थितियां जो है आज इस देश में जो परिस्थिति बनी है, मुझे आप एक चीज बताइए, बड़ा डाटा दे रहे थे, मुझे आप एक चीज बता दीजिए, आज इस देश में जो बेरोजगार की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति है, वो युवा आज सड़कों पर है, उसका मूल कारण क्या है? और यही स्वरूप तो आपने राजनीति का दिया है देश के किसी भी राज्य में। पहले सुन लीजिए, देश के किसी भी राज्य में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जैसे ही चुनाव आते हैं आपके मूड चेंज हो जाते हैं, आप धार्मिक उन्माद पैदा करके वहां राजनीति की दिशा को बदलते हैं। आप पहली बार एक आप ऐसे प्रवक्ता हमको दिख रहे हैं जो 10 वर्षों में, 8 वर्षों में, जब से सत्तासीन सरकार है और मैं टेलीविजन चैनल पर डिबेट कर रहा हूं, पहली बार आपने जो है महंगाई के संदर्भ में एक शब्द बोला है। ये आश्चर्यजनक बात है। आप जिस आपके देश के वित्त मंत्री को, जो वर्तमान सरकार, हमारी चलिए आता हूँ, और भी क्या समर्थक मौजूद हैं, आरबी उपाध्याय साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, कोई बैठा रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, कोई खड़ा होना चाहता है, उसको खड़े नहीं होने दिया जा रहा, अपनी डफरी, अपना राग, कांग्रेस कह रही है कि नेशनल पार्टी तो मैं ही हूँ, मेरे बिना क्या विपक्ष का वजूद, गठबंधन का वजूद, जिसको लड़ना है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो आए हमारे साथ, एकजुट हो, गठबंधन को मजबूत करे। देखिए, एकजुट हो जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। होगा तब जब जनता करेगी। आप इकट्ठे हो जाइए, एक चुन लीजिए, जनता आपको वोट नहीं करती, क्या होगा? बैठे रहिए, चुन लिया है आपको, आप प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते। नहीं, एक साथ कम से कम लड़ने की ताकत तो आएगी ना, एक साथ। देखिए, लड़ने ये की ये स्ट्रेटजी है, एक साथ लड़ पाएंगे, एक साथ हो पाएंगे, मंच पे हाथ उठा पाएंगे, लेकिन जब आएगी कि इसके नेतृत्व में लड़ना, तो कहेगा नहीं, मेरे नेतृत्व में लड़ लो, उसके नेतृत्व में मैं नहीं लड़ूंगा, तो फिर बिखर जाएगा कुनबा। जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है, जो भी गठबंधन होते हैं, मैं नहीं समझता हूं उनकी आयु बहुत लंबी होती है। और गठबंधन क्या, उसको दूसरा नाम जनता ने जो ठगबंधन दिया है वो भी ठीक है, यानी मेरे अकेले के बस की नहीं है कि मैं दो दो हाथ सामने वाले पहलवान से कर लूं, तो सब मिलके चलो पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं, जमीन पर गिरा लेंगे। क्या है, जनता पसंद करेगी क्या उसको? नहीं है। जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं होगा, जनता वोट नहीं करेगी। आपको जनता के पास जाना होगा। जो नेता भागे डोल रहे हैं, उस दल के पास चले जाएं, इस दल के पास चले जाएं, वो हमें मान लेगा, वो हमें समर्थन कर देगा। अरे भाई, जनता समर्थन कर देगी, जनता वोट दे देगी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सीधा सीधा सा गणित है उसमें। इधर धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं वो लट चला रहे हैं, अरे भाई, धार्मिक उन्माद पैदा कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक जनता वोट नहीं करेगी, जनता जब तक आपको आशीर्वाद नहीं देगी, तब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। नहीं, जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया उसको गठबंधन का नेता बना देना चाहिए। ममता बनर्जी ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया, पंजाब में सत्ता से बेदखल कर दिया कांग्रेस को, जिनकी एक्सेप्टेंस हो रही है उनके नेतृत्व में लड़ा जाए चुनाव। मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल से बाहर का जनता चुनती है उन्हें, बंगाल की जनता बंगाल में चुन ली, तो बंगाल में अगर कोई चुन देता है तो बंगाल से चुनके कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता बंगाल की। पूरा देश जब तक, देखिए पूरा देश ममता बनर्जी के बारे में साफ है कि वो हिंदी बेल्ट में स्वीकार नहीं है, तो कहां से प्रधानमंत्री बन जाएगी? सपने देखने की कोई किसी को मना ही नहीं है। मैं भी सपने देख सकता हूं, आप भी सपने देख, हमारे दर्शक सपना देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहां से, अब अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, अरे दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास हैं, और आप कहते हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कहां से प्रधानमंत्री बन जाएंगे भाई?
आप ठीक है विधानसभा में हैं, आपकी सरकार है, पंजाब आपने जीत लिया, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई है। एकदम से आप सोच लें कि नहीं हम तो कूद के बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, इतना आसान नहीं है। जब तक कि पूरे देश की जनता में कहीं स्वीकारता हो, पहली बात तो अब पार्टी। राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, नीतीश कुमार तैयार है, ममता बनर्जी तैयार है, केजरीवाल तैयार है, कांग्रेस कह रही है हमारी छत्रछाया में चुनाव लड़ा जाए, हम नेशनल पार्टी है, कैसे गठबंधन महागठबंधन बनेगा, कौन उसका मुखिया होगा, कौन उसका नेतृत्व करेगा, बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, हमारे नेता ने आज कहा है कि हम कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है ना दावेदार है, लेकिन देश में जो तानाशाही चल रही है, देश में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसके लिए पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करना ये हमारा फर्ज है, ऐसा हमारे नेता ने कहा है। और लोकतंत्र की लड़ाई हमेशा बिहार से लड़ी गई है, लोकतंत्र की जननी बिहार रही है, तो हमने कोई बड़ी बात नहीं करी है। अब देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है क्या? कोई है ऐसी संस्था है जो प्रधानमंत्री का चुनाव करा दे? जब 272 जीत के आएंगे, चुनाव ही होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और वही प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो 272 सांसद जीत कराएंगे, चुन लेंगे अपना प्रधानमंत्री। पहला काम है भारत के लोकतंत्र को बचाना, जिसके लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे देश में घूमेंगे और लोगों को बताएंगे कि राज्यों का हक कैसे मारा जा रहा। अडानी का पूंजी 10.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया और उस पर भारत के बैंकों का कर्ज है 2.2 ट्रिलियन डॉलर। नीतीश रसिया आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है लोकसभा चुनावों को देखते हुए? कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, महागठबंधन में जाएंगे, नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे, ममता बनर्जी से आपके ताल्लुक अच्छे हैं, ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, कैसे महागठबंधन में आपकी क्या भूमिका रहेगी, जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, आऊंगा आपके पास। भूगेंद्र पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूगेंद्र जी, एक नाम पर सहमति कैसे होगी, कैसे बनेगी? एक मंच पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्ष एकजुट होगा, एक नेता के नेतृत्व में, एक छतरी के नेतृत्व में मोदी को टक्कर दी जाएगी, एनडीए को टक्कर दी जाएगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अगर सारे दल के लोग जो विपक्ष में हैं वो मिलकर अगर कांग्रेस को नेतृत्व दें, उम्मीदवार कांग्रेस के किसी व्यक्ति को, राहुल गांधी जी को या किसी को बनाए, तब तो वो बात बन सकती है, उसकी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश जी खड़े हो जाएंगे या ममता जी हो जाएंगी या केसीआर हो जाएंगे या फिर इस तरह के और भी जो नेता हैं वो हो जाएंगे तो कुछ नहीं होना है। देखिए, चुनाव में केमिस्ट्री चाहिए, फिजिक्स से कुछ नहीं होता, मन जब तक नहीं मिलेगा। आप देखें, रणनीति, रण कौशल, ग्रास रूट तक पहुँच, बुलंद हौसला और उपलब्धियाँ, इसमें कौन पार्टी टिकती है, कौन सा दल टिकता है बीजेपी के सामने? बीजेपी ने रणनीति बना ली है कि 2024 का चुनाव जीतना है और रण कौशल भी उसका ऐसा है कि चुनाव जीतती ही है। साथ ही साथ देखिए, उसकी ग्रास रूट तक पहुंच है, 80 करोड़ लोगों को उसने मुफ्त में अनाज दिया है कोरोना के समय में और लोग इसको मानते भी हैं। और साथ ही साथ आप ये देखें, हौसला बुलंद किसका है? सबसे ज्यादा बुलंद हौसला बीजेपी के लोगों का है और नेतृत्व करने वाले मोदी जी का है। साथ ही साथ उपलब्धियां देखिए, आज भारत को अंतरराष्ट्रीय पटल पे बीजेपी ने यानी मोदी सरकार ने स्थापित कर दिया है। मान ले उनको, आप देखें हथियार खरीदने वाले, क्या जरूरत है चुनाव कराने की, क्या जरूरत है किसका, फिर जीता हुआ मान लेते मोदी? नहीं नहीं, ये तो चुनाव है, ये तो कांग्रेस थी तब ये होता था, संवैधानिक व्यवस्था है, सारे दल साथ आ जाओ, संवैधानिक व्यवस्था है। आप देखें, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाना जी, भ्रष्टाचारी के साथ है, केसीआर की लोकप्रियता ही खत्म हो रही है और तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं आप। शरद पवार को देख लीजिए, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं और उनका महाराष्ट्र से बाहर कहीं पहुंच नहीं है। आप ये क्या कहते हैं, डीएम का देख लें, डीएमके की पहुंच कहाँ है तमिलनाडु के बाहर? आम आदमी पार्टी को देख लें, है ना, अभी एक भी सांसद लोकसभा में नहीं
है ना, और जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप के आरोप लग रहे हैं और जांच चल रही है, पता नहीं क्या होगा आने वाले प्रदीप, अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर देती हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो कितनी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को हो सकती हैं अगले चुनाव में? निश्चित रूप से नहीं, बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि देखिए अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है, बाकी क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्र तक सीमित हैं। कांग्रेस एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आप गली मोहल्ले कहीं भी चले जाइए कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल जाएगा। प्रदीप, ये सवाल आपसे था। भूपेश जी, मैं देखिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, कोई भी चुनाव लड़े हम उतना ही सम्मान करेंगे जितना कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का सम्मान करेंगे। लगता है अरविंद केजरीवाल से लगता है, नीतीश कुमार से लगता है, ममता बनर्जी से लगता है, डर लगता ही नहीं है, डर लगता ही नहीं है। डर किस बात का? हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, हमारा काडर है, हमारे बूथ मजबूत है, हर कार्यकर्ता तैयार है। अभी किसी अपने विश्लेषक बंधु ने बताया कि हमारा जो है पहुंच एकदम ग्रासरूट लेवल तक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप जन जन तक नहीं पहुंचते हैं तो कौन क्या करेगा? अभी विपक्ष की हमें, मुझे जो है चिंता विपक्ष की ज्यादा रहती है, क्योंकि अगर आप तब खेल अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप जब अच्छा तब परफॉर्म करते हैं जब सामने वाला खिलाड़ी अच्छा होता है। यहाँ तो खिलाड़ी मरे हुए बेचारे, क्या करें? हमें डर नहीं लगता, कमजोर मरा हुआ खिलाड़ी जिंदा हो जाए कल तक कांग्रेस भाई हल्के में ले रहे हैं, ये कह रहे मरे हुए खिलाड़ी हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, किसी से डर नहीं लगता। भूपेश जी, मैं आता हूँ, मनोज एक पांच सेकंड दे दीजिए। देखिए, मैंने पहला सेंटेंस बोला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी का सम्मान है, सभी का सम्मान है, कोई आए, विपक्ष आए, चाहे विपक्ष के कितने भी लोग आ जाएं, चुनाव लड़िए, चुनाव में जीत दर्ज करिए, मरे हुए खिलाड़ी आपके सामने, आपने कहा सर, अब ये जो है, चलिए मनोज जी जवाब। भूपेश जी देखिए, सत्ता और सत्ता का दंभ, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि महज 31% निश्चित रूप से सत्ता अंकगणित का खेल, और 31% के बल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है। और मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है, कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब ये दो लोगों की पार्टी नहीं, है। नहीं, ये तो ये नहीं, आप मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हम एक दल के रूप में आज की तारीख में देख ही नहीं रहे। हम तो ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान करे इसी परिस्थिति में रहे, ये तो दो लोगों का दल है। और दूसरी बात, हमारी लड़ाई प्रार्थना, आपने बोला मैंने सुना, जो मुझे बोला उसको सुनिए और उसका जवाब दीजिएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने आपको, मैं मेरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा प्रदीप जी, आप भारतीय जनता पार्टी, किस भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर आपको इतना घमंड है भाई? कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत ऐसे राज्य है जहां आप नहीं है। और आप सुनिए, हमको चुनाव जीत क्या है, मैंने क्या बोला, सतांक गणित का खेल है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। हमारा एक नेता और कांग्रेस एक ऐसा दल है, सुन तो लीजिए, बिखरे हुए नहीं है, सबसे ज्यादा सांसद है उनके पास, 7 साल से उनकी सरकार है, 7 साल से प्रधानमंत्री है मोदी, सबसे ज्यादा सांसद है उनके पास, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, जिस गांव में कांग्रेस नहीं है, और आप बहुत ऐसे राज्य में ठीक है जहां नहीं है। एक मिनट, प्रदीप जी, आ रहा हूं कोई आपका व्यू आपको विरोधी नहीं मानते। मनोज जी, अरे मनोज जी बात तो सुनिए, हमारी लड़ाई सत्ता के उस व्यक्तित्व से है जो आज भारत को समझता ही नहीं है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको साबित करके आपके टेलीविजन चैनल को बताता हूँ, कांग्रेस समझाता हूँ, कांग्रेस बता तो रहा हूँ, कांग्रेस का कैडर जी, कांग्रेस का आधार बिल्कुल, किस आधार पर आपको सपोर्ट किया जाए? आपके हर बात का जवाब दे रहा हूँ, किस आधार पर कांग्रेस को सपोर्ट करें? रीजनल पार्टी से आप बाहर हो गए, आप सुनिए, रीजनल से भी बाहर हो गए, आप सुनिए ना, बताइए, अरे सत्ता की अंकगणित का खेल है, सत्ता में आज हम नहीं है, कांग्रेस का आधार, मैं आधार को बता रहा हूँ, ये अंकगणित है, ये बीजगणित है, ये जनता गणित है, हर गांव में बिना जनता गणित के कुछ नहीं होता है, हिंदुस्तान के हर गांव में कांग्रेस है, लेकिन हमारी लड़ाई सत्ता के उस कमजोर संगठन से है जो राज्य में नहीं है, और ये कहते हैं हमको जनता ने सबसे ज्यादा सांसद,
जनता ने सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिताए, ये अंक गणित है या नहीं? मैंने इस बात को कहा है कि सत्ता अंक गणित का खेल है, और उस अंक गणित में अगर जनता से अगर जनता सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिता रही है और इस अंक गणित के आधार पर सरकार बन रही है तो कांग्रेस का आधार कहाँ है? मैं बता रहा हूँ ना भूपेश जी, भारत की महज 31% जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। अरे उनके पक्ष में 31% ने किया, आपके पक्ष में कितने परसेंट कर रहा है? अरे सुन तो लीजिए, आप अपने गिनिए, सामने वाले के दांत गिन रहे हैं आप। जवाब तो सुन लीजिए, 69% लोगों ने इस संगठन के खिलाफ मत दिया है। कांग्रेस आपके क्या बोल रहे हैं? अरे कांग्रेस जो जीतेगा जिसके खिलाफ ज्यादा होंगे। 69% लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के विरोध में कांग्रेस के साथ आएंगे। मोदी हमारे लिए मतलब आप ये कहना चाहते हैं 69% ने आपको वोट किया और आप हार गए और वो 31% लेके जीत गए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं आप 69% लेके हार गए, 69% यानी जनता का अपमान कर रहे हैं, जनमत का अपमान कर रहे हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता को मानने को तैयार नहीं है, जनता के मन का सम्मान का अपमान नहीं सकते, तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? आपके कह दे रहे बीज गणित या राहुल गढ़ से नहीं चलता, ये देश चलता है जनता के गणित से, जनता के मन से चलता है, जनता के बोल से चलता है। नितेश सरसिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। क्या अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? अगर यहां पर महागठबंधन बनता है मोदी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? नितेश आवाज अगर आ रही है तो अब कृपया मेरा सवाल सुनने दें नितेश को। हम ये जानना चाहेंगे अगर अरविंद केजरीवाल भी क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी मान रही है कि वो एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, अगर महागठबंधन बनता है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति रहेगी? चलिए भूगेंद्र पाठक जी के पास जाऊंगा। पहले भूगेंद्र पाठक जी, ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल में मैंने बीजेपी को हरा दिया, मैंने नहीं घुसने दिया, मैंने सरकार नहीं बनने दी, मैं सबसे बड़ी नेता। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन बाबू हूँ, बिहार में सत्ता से बेदखल कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, मैं बड़ा नेता हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली पंजाब की बात करें, आगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी सरप्राइज कर सकते हैं, मैं बड़ा नेता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं देश में एक ही विपक्ष है जो कि पूरे देश में फैला हुआ है, मैं नेता हूँ। आइए एक छत के नीचे खड़े होकर मोदी को टक्कर दें। देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कह रही हैं, विधानसभा चुनाव में उनकी जबरदस्त जीत हुई है, लेकिन 18 सीट वहां से बीजेपी जीती थी लोकसभा चुनाव में 2019 में। और नीतीश जी जो कह रहे हैं वो 180 डिग्री की पलटी मारते हैं, है ना, और जो पलटी लगाई है फिर कब पलट जाएंगे कहना मुश्किल है, इसलिए उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म है। अब बिहार के भी वो यशस्वी नेता नहीं है, उनको बहुत बड़ा मौका मिला, कुछ नहीं कर पाए। अब बात बची किसकी आप कर रहे थे चर्चा, और अरविंद केजरीवाल जी, अरे वो तो दिल्ली में सात विधान लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और अभी बहुत वक्त है, उनको बहुत काम करना पड़ेगा और उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है। कांग्रेस उनको अपने आप को, और कांग्रेस की जहां तक बात है पूरे देश में कांग्रेस की पहुंच अभी भी है, चाहे उसके सदस्य लोकसभा सदस्य न बन पाए, और अभी भी तमाम जितने भी विपक्ष में दल हैं उस दल में कांग्रेस अभी भी श्रेष्ठ है, और कमजोर कांग्रेस भी किसी से राजीव रंजन जेडीयू के पास चलूंगा, आऊंगा आपके पास। राजीव रंजन हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता मौजूद है, कंक्लूड आपसे करूंगा, एक दो मिनट रह गए, एक बार चला जाओ। चलिए भूगेन जी, आप अपनी बात करो। देखिए मैं ये कह रहा था कि देखिए रेस कौन जीतता है, आपने घोड़े को कभी बैठा हुआ देखा है? जितने भी आप रेस लगा लें तमाम जानवरों की, घोड़ा सबसे आगे होगा, इसलिए कि वो बैठता ही नहीं है। आपने मोदी जी को कभी विश्राम करते देखा? कभी देखा? मैंने 2019 का चुनाव खत्म हुआ, 24 के लिए लग गए। नहीं नहीं, घोड़े को भी पकड़ लेता है चीता, चीता चीता सबसे तेज दौड़ता है, क्या इनमें से कोई चीता हो सकता है? गांधी को सोते हुए देखा, जवाहरलाल नेहरू को सोते हुए देखा, चीता लेकिन लगातार नहीं दौड़ पाता, वो कुछ मिनटों के बाद ही पस्त हो जाता है, लेकिन घोड़े को आप दौड़ाने लगातार, है ना, दिन भर वो घोड़ा दौड़ता रहेगा, थकेगा नहीं। ये ताकत जो कभी विश्राम नहीं करता, जो एक चुनाव खत्म हुआ दूसरे के लिए अपनी रणनीतियां शुरू कर देता है, और जनता की जो सोचता है 370 किसने हटाया, हिंदुत्व की अवहेलना करके कोई भी दल आगे नहीं बढ़ सकता। प्रदीप, और जाति, प्रदीप जी, जाति की राजनीति अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। प्रदीप जी, क्या
आपके सामने कोई ऐसा घोड़ा आ पाएगा? क्या आपको लगता है कि विपक्ष में इतना दम है, या आप कमजोर विपक्ष का फायदा उठाकर सरकार बनाते रहेंगे? अगले साल भी 2024 में भी कमजोर विपक्ष कोई टक्कर नहीं दे पा रहा, किसी की नीतियां सामने नहीं आ रही, किसी की नीतियां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, और जैसा विपक्ष कहता झूठ झकार समाज सोशल मीडिया सबका सहारा लेकर फिर सरकार बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता को जनार्दन सिरोधार्य और प्रभु मानता है, भगवान मानता है। देखिए कांग्रेस की ये गति है कि उनको भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी और खुद का परिवार बिखर रहा है। अगर 69% या 70% जो भी भाई साहब गणित गिना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव जीतती आ रही है, और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस को आप ही परिभाषित करने लगेंगे, घबराइए मत। कांग्रेस को समझने के लिए आपको 8 साल अध्ययन करना पड़ा है। 19 के पहले वाले चुनाव में भी आप यही कह रहे थे। कांग्रेस को समझने के लिए आपको आप यही कह रहे थे। पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, नागपुरिया किताब से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा मनोज एक आरोप ये भी लगता है। मनोज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मनोज जी एक आरोप, मनोज जी आरोप प्रदीप आरोप घोड़ा नहीं दौड़ता है। प्रदीप आरोप घोड़ा नहीं दौड़ेगा, देसी चने से घोड़ा दौड़ेगा। जिस संगठन पर टाइम खत्म हो रहा है, एक सवाल सुन लीजिए। अपने ही पूर्वजों के ऊपर टाइम खत्म हो रहा है। मनोज टाइम खत्म हो रहा है। एक सवाल मनोज जी एक सवाल, कांग्रेस सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। चलिए हो गया आपका विरोध करके। अरे सवाल तो सुन लो, हवा में बहस करते जा रहे हो, सवाल तो सुन लो। मनोज जी सवाल मेरा ये है, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आने पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस 2014 से भी ज्यादा कमजोर की स्थिति में आ गई है। तमाम दिग्गज आपके छोड़ के चले गए, आपको तमाम दिग्गज और जाने को तैयार हैं। अब आप कहेंगे कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे में कैसे आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे रीजनल पार्टीज और कैसे टक्कर देंगे, इसका जवाब दीजिए। खत्म करूंगा प्रोग्राम। भूपेश जी सबसे पहले राजनीति और राजनीतिक संगठन एक जीवंत व्यवस्था होती है, नेता के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति विचारधाराओं का खेल है। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं वो कांग्रेस को अपना संगठन मानते हैं, अपना दल मानते हैं। अब रही बात आज आपकी विचारधारा को छोड़ के आपके लोग ही जा रहे हैं। सामर्थ्यवान लोग ही इस परिस्थितियों में दल के साथ खड़े हो गए हैं। अब जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, देश का भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में हो चुकी है। कांग्रेस का प्रभाव समझ लीजिए, वो चिढ़ाएंगे आपके सत्ता में रहते हुए भी 169 लोग जो हैं वो कांग्रेस ही है। आप तो खुद ही कांग्रेस से प्रभावित है। आप कांग्रेस को समझने का आप नीतीश कुमार तैयार, ममता बनर्जी तैयार, अपना आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आप मैंने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल रही नहीं गई है। अब तो वो वैसे दो लोगों का जिन पर कांग्रेस का पूरा प्रभाव है। मैंने क्या बोला, तो यही हो गया। चलिए टाइम की कमी है उपाध्याय साहब वक्त की कमी है। नीतीश कुमार तैयार है, ममता बनर्जी तैयार है, अरविंद केजरीवाल तैयार है, राहुल गांधी तैयार है, KCR तैयार है, तमाम और नेता तैयार हैं। मोदी जी कह रहे हैं सब इकट्ठे आओगे, 8-10 इकट्ठे आओगे, दो दो चार चार करके आओगे। भारतीय जनता पार्टी भी शायद ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर महागठबंधन बनता है और सलीके से लड़ाई लड़ी जाती है तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जनता पर असर डालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। विपक्ष कहता है कि आप देखते जाइए, अब जनता ऊब चुकी है। प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी से बहुत शुक्रिया, मनोज तिवारी कांग्रेस का बहुत शुक्रिया, राजीव रंजन JDU से जुड़े, नितेश चरोसी हालांकि उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, आम आदमी पार्टी से बहुत शुक्रिया जुड़े, RB उपाध्याय साहब बहुत शुक्रिया, भूगेंद्र पाठक जी एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत सहारा।